महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? प्रिय, दर्शना, चंदना, यशोदा, त्रिशला। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदना। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंदना थी। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? प्रभास, विपिन, जमाली, योसुद। इसके प्रथम शिष्य जमाली थे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 30 वर्ष। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष के बाद हुई, 12 वर्ष की तपस्या में हुई थी। महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? वैशाली, कुंडग्राम, पावापुरी, राजगिरी। इनका जो प्रथम उपदेश दिया गया था वह राजगिरी में दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संलेखना इज नॉट सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? टीके टुकोल, सुनील अंबानी, देवल, कैरियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीके टुकोल। जैन समुदाय द्वारा प्रतीक चिन्ह कब सहमति प्रदान की गई? 599 BC, 440 BC, 1975 में, 2004 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। जैन प्रतीक चिन्ह के कितने लोग को वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 3। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प का फन, सांड, हाथी, शेर। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प का फन, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें। जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वर्धमान महावीर, ऋषभदेव, मल्लीनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसको दिया था वर्धमान महावीर को। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेला में, लुम्बिनी में, या पावापुरी में, या पाटलिपुत्र में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी पावापुरी में।